नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी में और हमारे साथ हैं यहां से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल होगा, राजद से विधायक हैं रोहतास जिले से फतेह बहादुर सिंह, उनका एक बयान आया है कि दुर्गा माता का कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी पूजा लोग बेवजह करता है, एक काल्पनिक तस्वीर है जिसकी लोग पूजा करता है, क्या कुछ कहेंगे, क्या सही है क्या गलत है? देखिए, आप पहले ही कहे कि राजद से विधायक हैं, तो राजद से विधायक हैं तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उन लोगों को तो वोट के लिए कुछ भी बोल देना है। मैं पूछता हूं कि वे अपने दादा परदादा और ऊपर के लोगों का नाम कैसे जानते हैं, वो किसके बेटा है, वो किसके पोता है, किसके परपोता है, वो कैसे जानते हैं? उनको लोग बताता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तब वो जानते हैं। तो उन लोगों को तो वोट के लिए कुछ भी बोल देना है, काल्पनिक है, ये है, वो है। उनसे पूछिए कि उनकी घर की पत्नी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माँ क्या माता दुर्गा को नहीं मानती है? वोट के लिए कुछ भी आजकल बोलने का फैशन और ट्रेंड आ गया हुआ है। कुछ दिन पीछे शिक्षा मंत्री बोले थे, आपको याद होगा जी, बिल्कुल। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ भी बोल देना है, कभी भी बोल देना है। राम काल्पनिक है, इन लोगों ने तो बोलने का काम किया था, है? तो अब बताया जाए कि राम सेतु तक मिल गया है और इनको राम काल्पनिक नजर आ रहा था, तो ऐसे लोगों के बात के बारे में क्या बोलना है? मतलब एक तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती है कि हम पूरी तरीके से सनातनी हैं, हम सनातन का के साथ हैं, और दूसरी तरफ राजद जो है, जो बिहार में जो दूसरी मतलब बहुमूल पार्टी में से एक माना जाता है, वो कहती है कि सनातन नहीं है। तो इसको किस रूप में देखते हैं, क्या कुछ समीकरण? वो सभी लोग सनातनी हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग भी हैं वो सभी सनातनी हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि वोट के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, सत्ता पाने के लिए ये लोग इतना लालायित है, और सत्ता क्यों पाने के लिए, भोग के लिए। सत्ता कोई सेवा भाव से ये लोग नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता की प्राप्ति सेवा भाव से के लिए करती है। और आप देख रहे होइएगा मोदी जी क्या बोलते हैं, न खाएंगे ना खाने देंगे, यानी कि आपको काम करना है। ये सत्ता की परिभाषा मोदी जी के सरकार में आने के बाद बदल गई हुई है। अच्छा, हम बात करें मोतिहारी की, तो विगत कुछ दिनों से, लगभग एक सप्ताह से मोतिहारी जो है काफी मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधान परिषद यहाँ पे मोतिहारी से जो एमएलसी वर्तमान एमएलसी हैं, उन्होंने बबलू गुप्ता का पुतला दहन करवा दिया, फिर बबलू गुप्ता ने उनका पुतला दहन करवा दिया। ये पुतले पुतले का दहन का खेल आखिर कब तक चलेगा, क्या कब तक मोतिहारी जलती रहेगी पुतलों के साथ? आप फिर उसी सवाल पर चले आए जिस पर हम कुछ बोल दिए थे, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप पूछ दिए तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा होगा। अब दूसरे का पाप मेरे सर पर कोई मढ़ना चाहता है, ये लोग अब इतना बुर्बक नहीं रह गया हुआ है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनका चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग के किसी एक जनप्रतिनिधि के साथ उनका दुर्व्यवहार हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का आरजेडी का जो यहाँ विंग है उनका पुतला दहन किया था, अब उनको कहीं ना कहीं अपना बात छिपाना था या बात को डाइवर्ट करना था, तो उन लोगों ने मेरा पुतला जला दिया। मैं तो अपना पुतला जलाया नहीं, वही जला दिया।